तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया और इस पूरी घटना को जो है बहुत जल्दी कंट्रोल किया वो निसंदेह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस पर प्रदेश सरकार ने भी पूरी तरीके से जो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन था उनसे संपर्क बनाए रखा और यही कारण रहा कि तत्काल यहाँ पर पूरा आग पे काबू पा गया पालिएगा। लेकिन चूंकि अगर घटना स्थल पर आप हो प्रवीण, तो एक बार मंजर बता सकते हैं क्या वहाँ पर, क्योंकि ये बताया गया है ना कि मकानों में भी आग फैली है, नुकसान कहाँ तक पहुँचा है? जी अभी यहाँ पर जो फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी तरीके से जाने की, क्योंकि वहाँ धमाके लगातार जारी हैं तो वहाँ रोका गया है कि कृपया करके थोड़ा समय और दे और वहाँ पर उसके बाद वहाँ पर पहुंचे, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से बात सामने आती थी कि फैक्ट्री में कई लोग मौजूद है, क्योंकि फैक्ट्री न्यूज 18 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीर उपलब्ध कराई थी कि फैक्ट्री पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है, तो वहाँ पर यह भी देखा जा रहा है क्योंकि मलबे के नीचे बारूद है और धमाके हो रहे हैं, तो क्या कुछ और लोग भी वहाँ दबे हुए हैं या कोई और ऐसी जनहानि हुई है क्या, इसको लेकर भी जो है प्रशासन अपना काम अब यहाँ पर करेगा और मलबा हटा के यहाँ देखा जाएगा कि क्या कुछ और लोग फंसे हुए हैं या कोई किसी तरीके की कोई जनहानि हुई है। जी और अब ये भी जानकारी है कि अब मंत्री जी भी यहाँ पर पहुंचने वाले, उनकी मौजूदगी अभी नोटिस की गई है क्या, और एसडीआरएफ की टीमें तो शायद पहुंच भी गई हैं, एम्बुलेंसेस और ये जो तमाम व्यापक इंतजाम है इसे लेकर मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं क्योंकि ये सभी अपने स्तर पर तैयारी पूरी रखें। जी हाँ, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निर्देश जारी किए थे उसको देखते हुए आसपास के जो जिले थे वहां से एम्बुलेंस रवाना कर दी गई थी, दो तीन जिलों की एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है, समकले यहाँ पर पहुंची है और आग बुझाने के काम में उन्होंने भी यहाँ पर सहयोग किया गया है। अब राव उदय प्रताप यहाँ पर स्थानीय जो अधिकारी है उनसे जानकारी लेंगे, साथ ही यहाँ पर जो घायल है उनसे जाकर भी वो मिलेंगे और उनका हालचाल लेंगे और पूरी घटना को लेकर क्या कारण सामने आया उस पर भी वो जो है यहाँ पर प्रशासन से बात करेंगे और क्या कार्रवाई यहाँ पर की गई है प्रशासन के द्वारा, ये पूरी जानकारी यहाँ मंत्री जी लेंगे। जी तरीके से तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें ली गई हैं, क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? प्रवीण से संपर्क हमारा टूटा है, एक बार फिर से हम प्रवीण से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राहत बचाव कार्य जारी, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयावह हालात, भयंकर हादसा, भीषण विस्फोट, लगातार एक के बाद एक कई धमाके वहां पर हुए, पटाखा फैक्ट्री में ये आग लगी, आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि कई दूर तक धमाके की आवाज यहां पर सुनाई थी। पूर्व मंत्री कमल पटेल आपको नजर आ रहे होंगे और मंत्री राव उदय प्रताप सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, सभी मंत्री यहां पर पहुंचते हुए हालातों का जायजा लेते हुए किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है और किस तरीके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग वहां पर थे उनको बाहर कैसे निकाला जाए अब देखना होगा। अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और आशंका है कि ये मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा, क्योंकि हादसा भयंकर था, भीषण था, जिस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ, एक के बाद एक कई धमाके हुए, उससे पूरा हरदा दहल उठा है, हिल उठा है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते हैं कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। सड़क के किनारे शव बिखरे हुए पड़े यहाँ पर मिले, गंभीर घायलों को भोपाल इंदौर रेफर किया गया है, भोपाल एम्स में जो बर्न यूनिट है उसे अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि तस्वीरें आपके सामने हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है अभी तक, लेकिन जब आग लगी थी वो मंजर भयंकर भयानक मंजर था उस समय। सरकार के मंत्री पहुंच चुके हैं, राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री कमल पटेल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, एनडीआरएफ की टीम से वो जानकारी ले रहे हैं कि अभी क्या हालात हैं वहाँ पर घटनास्थल पर, किस तरीके से लोगों की मदद वहाँ पर हो रही है। तो मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 11 लोगों की मौत की खबर है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं, फैक्ट्री के आसपास सड़क पर भी कुछ शव पड़े हुए नजर आए थे। प्रशासन ने 25 से ज़्यादा घायलों को हरदा जिला अस्पताल में एडमिट करवाया है। पटाखे की फैक्ट्री मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव में है, धमाका सुबह करीब 11 बजे हुआ, उसके बाद कई धमाके हुए, एक के बाद एक कई धमाके हुए, फैक्ट्री में बारूद था बड़ी मात्रा में, धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत उछल गए, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि विस्फोट कितना भयानक था, तेज था, भीषण था।
धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई थी। एक के बाद एक कई धमाके हुए। राउद प्रताप सिंह मीडिया से बातचीत करते हुए, कमल पटेल भी आपको नजर आ रहे होंगे, पूर्व मंत्री, जब चार पांच लोगों को होशंगाबाद रेफर किया है, कुछ को भोपाल रेफर किया है, और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है, हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। छह लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि छह लोग की जान गई है, और लगातार मलबा हटाने का, और मौके पर जो हमारी SDRF की टीम है, SDRF के ADG भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। कितने लोगों के होने की? अभी लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। कोई राहत राशि जो है दे जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं, और एक बार सारी चीज़ों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। राउद प्रताप सिंह पहुंचे हुए हैं घटनास्थल, मीडिया से बातचीत करते हुए बता रहे हैं कि जो जिला अस्पताल में एडमिट हैं घायल, उनका हालचाल जानने के लिए वो अब अस्पताल जा रहे हैं। वहां पर मौजूद जो NDRF की टीम है उनसे जानकारी उन्होंने ली है। दो अधिक जानकारी के लिए हम रुक करेंगे, सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या अपडेट है? फिलहाल हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया। मिथिलेश, देखिए, जब भी ये लगता है कि आग पर काबू पा लिया गया, उसके थोड़ी देर बाद ही विस्फोट हो जाता है, और ये पिछले 2 से 2.5 घंटों से लगातार यही पैटर्न बना हुआ है। तो बड़ी चुनौतियां, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस वक्त का मंजर है वो काफी भयावह है। वो तस्वीर देखने के बाद रोंगटे कांप जाएंगे, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आ रही है जिला अस्पताल हरदा से। लगातार जो एम्बुलेंस है वो वहां से भेजे जा रहे हैं, कभी खंडवा, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जहां आसपास से चलते चल मदद भेजी जा सके वो मदद भेजी जा रही है। एम्बुलेंस की संख्या ज्यादा बढ़ाई जा रही है कि लोगों का बेहतर इलाज हो सके, क्योंकि एम्बुलेंस में तमाम बर्न यूनिट ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर कितना क्या है, कितनी कैपेसिटी? अभी अराउंड 63 लोगों को हमने एडमिट किया है, और 6 लोगों की मृत होने की रिपोर्ट मेडिकल टीम ने दी है। कितने लोग काम कर रहे थे, ऐसी कोई जानकारी मिली है? अभी वो अभी नहीं, अभी जानकारी नीचे और भी लगे दबे होंगे, मगे के नीचे दबे होने की आशंका है लोगों की। वो राहत कार्य तुरंत शुरू हो गया था, जैसे ही धमाके की न्यूज आई थी, और तुरंत अभी यहाँ पोकलेन, JCB और सभी राहत सामग्री, धमाके नहीं, कुछ जो क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री थी, तो कुछ जो पटाखे बचे हैं, अवशेष हैं, उनके जलने की आवाज आ रही है। सर, ये आसपास के जो लोग रहवासी हैं उनको क्या राहत शिविरों में भेजा जा रहा है रहने के लिए, क्योंकि तमाम मकान खाली कर? वैकल्पिक स्थान भी हम लोग जो आसपास की धर्मशालाएं हैं वहाँ पे हम व्यवस्था करा रहे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप तो कलेक्टर ऋषि गर्ग को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य हो रहा है, जानकारी दे रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि 6 लोगों की मौत है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है यहां पर। मिथिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आप अपडेट दे रहे थे जी। देखिए, राहत बचाव कार्य तो इस वक्त चल रहा है, लेकिन देखिए 2-3 चीजों की बड़ी चुनौती बनी हुई है प्रशासन के सामने। एक तो वो लोग जिन्हें गंभीर रूप से जो घायल हुए, जो ज्यादा झुलसे हुए लोग हैं, उन्हें जल्द से जल्द बेहतर अस्पताल पहुंचाना, जिसके लिए सेना से मदद भी मांगी गई है, यानी आने वाले समय में एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, एयरलिफ्ट की तैयारियां में चल रही है। इसके अलावा इंदौर और भोपाल के जो बड़े सेंटर है उसमें बर्न यूनिट में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं कि जो लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें तत्काल इंदौर या भोपाल पहुंचाया जा सके, उनका उपचार शुरू किया जाए। इसके लिए तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर में चल रही है। लेकिन देखिए, गुनहगार जो भी है, कार्रवाई की बात की जा रही है, सजा मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अवैध फैक्ट्री रावासी क्षेत्र में संचालित थी, आखिर इस पर क्यों कार्रवाई की नहीं गई? ना लाइसेंस, ना परमिशन, और उसके अंदर बारूद कितना भरा हुआ था, यह भयावह तस्वीर से समझा जा सकता है। तमाम तस्वीर सामने आ चुकी है, वो तस्वीर इस बात को गवाह, उस बात की हकीकत को उजागर करती हुई है कि हादसा कितना भीषण था। अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी,
और ये सबको पता था, ये नहीं कहा जा सकता कि पता ही नहीं था। आज कार्रवाई की बात की जा रही है, जो वहां के अधिकारी हैं क्या उन्हें ये बात को जानकारी नहीं थी कि एक अवैध फैक्ट्री अवैध रूप से इतनी बड़ी रूप से संचालित हो रही है। लेकिन देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो घायलों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसके बीच में उनका उपचार बेहतर हो सके, जल्द से जल्द उनका उपचार बेहतर शुरू किया जा सके, इसके लिए ये जो है ये चुनौती बड़ी बनी हुई है। वन यूनिट में तैयारियां की जा रही है क्योंकि कहीं वन यूनिट में ब्लड की कमी ना हो जाए, तो ब्लड के लिए भी तैयारियां की जा रही है। आसपास के जो भी क्षेत्र है सभी को अलर्ट पे रखा गया है, जहां जहां पे इन घायलों को भेजा जाएगा वहां के ब्लड सेंटर को पहले ही निर्देश दे दिए गए कि हर ब्लड ग्रुप की जो ब्लड की उपलब्धता है वो पूरी की जाए। तो तैयारियां देखिए दूसरी तरफ चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर जो है जिला हरदा अस्पताल सामने आ रही वो भयावह तस्वीर है, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है, चीख पुकार मची हुई है, लोग अपनों को तलाश रहे हैं, लोग अपने को ढूंढ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब जो लोगों का मोबाइल बंद हो चुका है, ऐसे भी जो लोग हैं जो परिवार से संपर्क टूट चुका है अब उन्हें लोग तलाश रहे हैं, उसके लिए प्रशासन कहना कि बहुत जल्द एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर जब तक जारी किया जाएगा तब लोगों को जानकारी मिलेगी कि आखिर वो उनके जो अपने लोग हैं जिनसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा वो लोग कहां हैं। तो देखिए अब हर चीजों से जो दूसरी वैकल्पिक तैयारियां वो शुरू कर दी गई, एक तो ये जिनके घरों में दरार पड़ चुका है, 60 से ज्यादा ऐसे मकान है जो पूरी तरीके से जल चुके हैं, जो इस भीषण अग्निकांड की जद में आ चुके, उन्हें दूसरी जगह पर विस्थापित करना, उन्हें ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था वो भी प्रशासन को करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो लोग ज्यादा रूप से गंभीर घायल हुए हैं जिनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके, तो ये तमाम बड़ी चुनौतियां हैं जो प्रशासन के सामने है, लेकिन तैयारियां शुरू कर दी गई है, युद्ध स्तर पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हरदा के अंदर की जो तस्वीर है वो बहुत ही भयावह है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है, क्योंकि जहां पे विस्फोट हुआ था उन गलियों में अभी भी जब लोग अंदर जा रहे हैं तो वहां पर लाशें सड़कों पे पड़ी हुई है, चित और जो उनकी जो लाशें हैं वो इस अवस्था में उन्हें पहचानना मुश्किल हो चुका है। लेकिन इसका गुनहगार कौन है, आखिर ये क्यों संचालित हो रही थी, किसके कहने में संचालित हो रही थी, किसके इशारों में संचालित हो रही थी, और आखिर इनके ऊपर किसका हाथ था, ये सब चीजें जांच का विषय है। लेकिन बेगुनाहों की मौत हो चुकी है, बेगुनाहों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन इन मौतों का जो जिम्मेदार है कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 2015 को तस्वीर आई थी पेटलावत।